नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? गाड़ी चलानी आप जानते हैं या सीख रहे हैं या कुछ भी है? एक डाउट आपके मन में आता होगा और मेरे कई सारे सब्सक्राइबरों के मन में भी आता है कि यार हम गाड़ी में अंदर बैठते हैं, बैठते ही हम कैसे पता लगाएं। कई बार होता है कि हम गाड़ी का टायर नहीं देख पाते, कि अब गाड़ी अचानक से पार्किंग में खड़ी हुई है और हम आगे बैठ जाते हैं और आगे वाला टायर नहीं देखते, और हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग या टायर अभी लेफ्ट की साइड घूमे हुए हैं या राइट की साइड घूमे हुए हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है इस स्टीयरिंग व्हील से जुड़ी हुई, कि हम इस स्टीयरिंग व्हील को देख के अंदर बैठ के कैसे आइडिया लगाएं कि भाई हमारी गाड़ी का टायर लेफ्ट घुमा हुआ है या राइट घुमा हुआ है या स्टीयरिंग हमारा अभी सीधा है। तो इस वीडियो को कहीं भी मिस मत करना। आज स्टीयरिंग व्हील का जादू मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसी के अंदर ये राज छुपा हुआ है कि स्टीयरिंग व्हील से ही हम आइडिया लगा लें कि टायर लेफ्ट की साइड घुमा हुआ है राइट की साइड घुमा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि आप जब भी गाड़ी में बैठें अपने बाहर जो टायर हैं उन्हें एक नज़र मार लें, तब गाड़ी के अंदर आएं कि वो लेफ्ट की साइड है राइट की साइड। सबसे आसान तो यह। अगर आपसे मान लो अब गलती हो भी गई है, आप अंदर बैठ ही गए हैं और आपने गाड़ी कर ली है स्टार्ट और आपको लेके चलनी है, लेकिन आपका स्टीयरिंग आपको मिलता है कुछ इस तरह, तो अब आप क्या आइडिया लगाएंगे कि भाई ये स्टीयरिंग हमारा किस साइड घुमा हुआ है या किस तरफ जाने वाला है। मान लीजिए यहां पे आपका स्टीयरिंग है। बेसिकली होता क्या है स्टीयरिंग के अंदर कि अगर लोगो इस तरह सीधा आ जाइए, तीनों स्पोक या चार स्पोक या दो स्पोक हो, लेकिन लोगो अगर सीधा रहता तो आप लोगों को लगता है कि स्टीयरिंग सीधा है। लेकिन दोस्तों अभी यहां पे हमारा टायर है, अभी मैं आपको दिखाता हूं स्टीयरिंग स्पोक सीधे हैं, लेकिन टायर देखे दोस्तों किस साइड घूमे हुए हैं। अब हमें इसका आइडिया कैसे लगाएं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे स्टीयरिंग सीधा करें? तो बहुत आसान तरीका है, आपको करना कुछ नहीं है, इस स्टीयरिंग को घुमा देना है एक बार और लेफ्ट में, तो यहां पे जाके ये अटक जाएगा। हर स्टीयरिंग में लगभग ये जो सीधा होने वाली स्थिति है ये तीन बार आती है, तीन बार हमारा स्टीयरिंग पूरे सर्कल में ये तीन बार इस तरह के ये जो लोगो है ये सीधा हो जाता है। अब देखिए जैसे यहां पे ये अटक गया था, ये बंद हो गया, अब एक बार यहां पे सीधा होगा, वन सेकंड टाइम यहां पे सीधा होगा। तो अगर सेकंड टाइम में ये सीधा यहां पे आ रहा है तो हमारी गाड़ी का टायर जो है बिल्कुल सीधा हो चुका है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से बाहर निकल के, ये देखो दोस्तों बिल्कुल सीधा टायर है अभी हमारी गाड़ी का। और जब हम एक बार और इसे सीधा करेंगे तो अब हमारी गाड़ी का टायर जो है राइट साइड में टर्न हो गया होगा और तीसरी बार में ये आएगा ही नहीं वापस, वहां पे कहीं अटक जाएगा। आपको अपनी गाड़ी के जो राउंड है वो क्लियर करने हैं। अब हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं भी मिले, हमें ऐसा मिला है, तो गाड़ी में बैठते ही करना क्या है, किसी भी एक साइड गाड़ी को टर्न कर, स्टीयरिंग को एक बार टर्न कर लीजिए किसी भी एक साइड। मान लीजिए हमने इस साइड टर्न कर लिया और ये एक राउंड आ गया है और दूसरा भी राउंड आ रहा है, तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग अब राइट मुड़ गया। आपको बीच में जो तीन राउंड लेगा स्टीयरिंग हमारी गाड़ी का, सिर्फ तीन राउंड, और हमें बीच वाले राउंड पे रोक लेना है। अब मान लीजिए यहां घुमा हुआ है हमारा स्टीयरिंग, हमें इस तरह मिला, हम करेंगे क्या, एक बार इधर घुमा के देखिए, नहीं हो रहा भाई, एक बार सीधा हुआ फिर एक बार फिर सीधा हुआ, अब हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है। ये काम आता है दोस्तों तब जब आपकी गाड़ी बिल्कुल टच खड़ी हुई हो किसी से पार्किंग में, या आपके पीछे बिल्कुल आपको गाड़ी बैक करनी हो और थोड़ी सी जगह बची हो और आपका स्टीयरिंग ऐसे मिल जाए, तो गाड़ी कई बार टच हो जाती है। तो आपको बैठते ही करना क्या है, अपनी गाड़ी के अंदर थोड़ा ऐसे मिला है तो एक बार एक साइड घुमा, अरे यार अटक गया इधर, तो अब हमें एक बार सीधा करना है फिर एक बार सीधा करना है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अपनी गाड़ी के जो राउंड है तीन ही बार स्टीयरिंग जहां तक है ये सीधा होता है, हर गाड़ी में लगभग यही सिचुएशन होती है, तीन से ज्यादा ये राउंड नहीं लेता। कई बार आदमी सोचता है भाई कितना सारा स्टीयरिंग घूमता है, कितना सारा नहीं घूमता है। दोस्तों इस चीज को दिमाग में अपने रखना। उम्मीद करता हूं आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार फिर आपके साथ ट्राई करते हैं, अब मेरा स्टीयरिंग बताइए, अब मैं यहां पे आके देखा मैंने तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा स्टीयरिंग सीधा है या तिरछा है? कुछ नहीं करना, एक बार बैठ के घुमा के देख लो, यहां पे अटक गया किधर भी घुमा लो, फिर एक बार सीधा करो फिर दूसरी बार सीधा करो, तो स्टीयरिंग हमारा सीधा है और टायर हमारे सीधे हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में आ रहे बेल आइकन को भी दबा लें और
वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही मत दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।